के फॉरेस्ट हर एरिए के होंगे, उनको इमीडिएट रिलीफ 25,000 रुपये पर फैमिली के हिसाब से दी जाएगी। हुकूमत सिंध ने डिप्टी कमिश्नर को कहा है, पहले तो हमारा काम है कि रिलीफ का काम करें, जो कैंप्स में मौजूद लोग हैं उनको जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं उनके खाने पीने के इंतज़ाम वो करें। दूसरा इमीडिएट काम मैंने हिदायत दी है और सबने इधर काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पानी निकाला जाए, और फिर उसके बाद फेज़ में जो वो काम भी अभी से शुरू है लेकिन फिर वो जोर पकड़ेगा कि डैमेज असेसमेंट हो लोगों का, जो अपना नुकसान हुआ है जिसमें लोगों के घर हैं, फसलें हैं, लाइफ स्टॉक है, उनका जो नुकसान हुआ है उसका एक सर्वे किया जाए। और फेडरल गवर्नमेंट से मेरी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत पाकिस्तान भी सिंध के लोगों के साथ खड़ी है इस मौके पे, और सिंध हुकूमत के साथ मिलके एक प्रॉपर रिलीफ देगी। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है जिसमें रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इरीगेशन का नेटवर्क है, पब्लिक हेल्थ का नेटवर्क है जो कि तबाह हो गया है, और पूरे सिंध में हालात यही हैं, उसके लिए भी मैंने हिदायत दी है कि उसकी जल्दी से असेसमेंट की जाए, सर्वे किया जाए, स्कीम्स बनाई जाएं, और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है हम उन स्कीम्स पे काम शुरू करें, और जो है कम से कम उस पोजीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएँ जो मानसून से पहले था। मैं फिर एक बार आपको बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा बारिशें इस साल हुई हैं। जुलाई का महीना जब से हमारे पास डेटा है वो सबसे ज़्यादा बरसात, सबसे ज़्यादा वेट महीना हिस्ट्री में वो जुलाई का था, और अगस्त में उससे ज़्यादा बारिश हो गई है। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो यहाँ पे पूरे साल अगर बारिश होती है वो 25 से 75 मिलीमीटर के दरमियान, और अगर वो एक ही दिन में 125 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए किसी का पे, कहीं कहीं तो पटीदन में एक दिन में 355 मिलीमीटर बारिश पड़ गई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला एक इम्तिहान है जो बारिश की सूरत में हमें मिला है, और हम इस वक्त चाहेंगे हो रही है तो कोई दरख्वास्त फॉर्मल देने की ज़रूरत नहीं होती है करने की, ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और वो उसी वक्त देंगे जब मीटिंग होगी और फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। आप सवाल कर लें, मुश्किल वक्त है इन में पानी कढ़ने लाए भी अगर ये चाहें तो आऊँ ना बुढ़ा बया सब आऊँ सुको पे हो जा सब बुढ़ी वजन या पाँच रस्तों भी न दिया वो भी गलत हों। सो इन मुश्किल वक्त में सभी के एक बे से ताउन करो है, असानी कोशिश यही होंगी इन करे अवामी नुमाइंदा फील्ड में तो जिते कि अड़ा प्रॉब्लम्स थे उनके एड्रेस कर। सर बकोल आपके के सिंध मटियारी समेत पूरे सिंध में हम मुतासरीन जो है शदीद परेशान हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, तो सिंध हुकूमत पहले मरहले में मुतासरीन के लिए क्या इमदादी कार्रवाइयाँ करने जा रही है, कोई पैकेज कोई ऐलान, क्योंकि कल से लोग सड़कों पर आए हैं एहतजाज, कल तीन जगह पर एहतजाज हुआ है, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया, तो लोग शदीद परेशान हैं। सिंध हुकूमत पहले ही जो पहली स्पेल हुई थी उसके बाद से ही एक्टिविटेड है, हमारे जो प्रोवेंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ हाजी रसूल बख्श चांडियो साहब भी हैं, मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, सारा देख रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ का जो काम है, टेंट पहुँचाना आज भी हमने असेस किया है, जो मटियारी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, हम ऑलरेडी नंबर मुझे याद नहीं 4,000 या 5,000 टेंट्स पहुँचा चुके हैं, और 5,000 टेंट्स और की डिमांड है और हमने ऑर्डर दिया है। इस वक्त इशू ये है, हम इस वक्त तक तकरीबन पूरे सूबे में 1,00,000 के करीब टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अपने के सिंध हुकूमत क्या कर रही है उसके साथ साथ जहाँ पे भी लोग डिस्प्लेस्ड हैं, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा अभी मैं शायद जाऊँगा भी विजिट करने एक आध जगह, जो भी रिलीफ कैंप्स हैं लोग रिलीफ कैंप्स में हैं। यहाँ मटियारी में मुझे बताया गया कि एक वक्त में 20,000 के करीब लोग रिलीफ कैंप्स में थे, फिर कुछ वापस गए अपने घरों को, इस वक्त भी 6,000-7,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं। उनको खाना देना, उनको कंफर्टेबल रखना, वो भी सिंध हुकूमत का काम है। हमने डिप्टी कमिश्नर्स के कोई एडिशनल फंडिंग दिए इस सिलसिले में ताकि वो कर सके, तो ये इमीडिएट काम यही, और फिर डी वाटरिंग ताकि
पानी जल्दी निकाला जा सके। सर एक रुपए शहबाज गिल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लोग ज्यादा जो बारिशों में शदीद बारिशें हुई हैं पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे सूबे सिंध में, उस सिलसिले में मैं कल से कराची से निकला हूँ और कल मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स ठट्टा बदीन सिजावल टंडो मोहम्मद खान टंडो अलायार और हैदराबाद उनको कवर किए, लोगों के पास गया हूँ, उनकी तकालीफ देखी है और कोशिश की है कि मौके पे ही जो इकदाम लिए जा सकते हैं वो लिए जाएँ। इसी तरीके से आज मैं निकला हूँ, ये मटियारी पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। बारिशों की वजह से पूरे सिंध में, और बारिशें इतनी हुई हैं कि जो नॉर्मल बारिशें होती हैं हमारे पास उसे 400% ज़्यादा बारिश इस साल अभी तक हुई है इस पीरियड में। अल्लाह ताला आगे रहम करे, इसलिए कि हमें कह रहे हैं मेट वाले मौसमियात वाले कि 23-24 से फिर एक स्पेल आना है, अल्लाह ताला उसके लिए रहम करें। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने लोगों के साथ मौजूद हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में उनको जितना रिलीफ दिया जा सके वो दें। मटियारी में भी बहुत तेज़, ख़ास तौर पर जो आखिरी स्पेल हुआ है 16 तारीख से, इसमें बहुत बारिश हुई है और यहाँ के जो शहर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडकोर्टर मटियारी हो, आला हो, भटशा में भी मैं हूँ, शहरों में भी पानी, और ख़ास तौर पे हमारे जो देही इलाके हैं उसमें बहुत शदीद तकलीफ़ में लोग, पानी की वजह से क्रॉप्स को डैमेज हुआ है, लोगों की लाइफ स्टॉक को डैमेज हुआ है। मुझे जहाँ तक बताया गया 2 डेथ्स भी अनफॉर्चुनेट, 2 लोगों ने अपनी जान जाए हुई, 2 लोगों की इस बरसातों में। हुकूमत सिंध ने सबसे पहले तो मैं इधर विज़िट किया और मैंने परसों फैसला कर लिया था, सारी रिपोर्ट लेके और DC की तरफ से रिपोर्ट चली गई है कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आफत ज़दा करार दे दिया जाए। इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहकीन हैं, जो कि 60% हैं, उनको हिदायत की है कि वो लोगों के साथ रहें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत की कि वो लोगों के साथ रहें और इंशाल्लाह ताला हम इस मुश्किल वक्त में लोगों के साथ रहेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मां वरी जवाब ने जो तमाम करे छो सवाल, अगर जे जाए थे साल में 50 मिलीमीटर बारिश पे, एक ॾींहं में 350 मिलीमीटर बारिश पे, त पब्लिक हेल्थ जो निज़ाम ज़रूरु अफेक्ट थींदो। पर तव्हां सही, मां ख़तमु करे, तव्हां सही था चओ त असांखे बेहतरी जी गुंजाइश आहे। अच्छा, जेको क्लाइमेट चेंज थियो आहे, इहे मौसमियाती तब्दीली या ग्लोबल वॉर्मिंग, इहे जेको नओं फिनोमिना असां ॾिसूं पिया, उन में असांखे पंहिंजो कपेसिटी बि वधाइणी पवंदी ऐं उन ते कमु कयूं पिया था, पर उन में जेकी इन्वेस्टमेंट जी ज़रूरत आहे उहा तमामु वधीक आहे। पर असां जेके रिसोर्स अवेलेबल आहिनि, कोशिशि इहे हूंदी त माण्हुनि खे वधीक। 40 साल पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है भिक्षा में, 40 साल पुरानी ड्रेनेज सिस्टम, इस वजह से पूरी भिक्षा में जो पानी का बुरान है ना, इसमें बहुत से ज़्यादा जो घर हैं वो गिर पड़े, इस वजह से परेशानी का सामना है पूरे शहर में। 50 साल इससे भी ज़्यादा की, तो ड्रेनेज मुकम्मल ख़राब है, इसे अगर दोबारा तामीर किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि पानी 24 घंटे मुकम्मल तौर भिक्षा में मौजूद है। सवाल सब करे वो जवाब जवाब अच्छा, ड्रेनेज की आपकी बिल्कुल सही बात है, पुरानी ड्रेनेज हो चुकी है और इसीलिए मैंने कहा ना कि रीअसेस करके, और मैंने ये भी अभी हिदायत दी है कि रोड नहीं बनाने हमने सिर्फ कि ऊपर से जी वो रोड उखड़ा हुआ था और उसे पैचवर्क करके सीधा कर दिया और लगे कि जी काम फर्स्ट क्लास हो गया और अगली बारिश हो और वो रोड भी उखड़ जाए और वही प्रॉब्लम हो। पहले आपने ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम बनाना है, उसके बाद रोड बनानी है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि सिंध हुकूमत ने कोई दरख्वास्त अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं दी है, जबकि मुझे नहीं पता। अच्छा मैं बता दूँ, जवाब दे दो तो मैं सवाल आपका समझ गया। तीन दिन पहले मीटिंग हुई थी सिंध हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को भी बुलाया था और उन्होंने अब कहा है शायद 23 या 24 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे, फैसला उन्होंने करना है। ये दरख्वास्त वगैरह की कोई बात नहीं, पता जब आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में